तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और माय हीरो एक हस्बैंड के एक और नए एपिसोड में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 3 के बारे में। अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर हमारे चैनल पर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो निंग होता है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आगे निंग जो होता है जेल में बंद रहता है और उसे लगता है कि वो अभी भी कोई सपना देख रहा है। क्या वो इस सपने से पार पा पाएगा? क्या वो कभी उठ पाएगा? उतने में ही देखने को मिलता है एक सिपाही जो है उसके शेल के अंदर जाता है और उसको हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन निंग बिल्कुल हिलता नहीं है और उसे लगता है कि वो मर चुका है। उतने में निंग बोलता है तो उसे शॉक लग जाता है और उसे लगता है इसके अंदर कोई भूत आ चुका है। और निंग बोल रहा होता है कि मुझे यार कोई जल्दी वाली डेथ दो ताकि मैं अपने सपने से उठ सकूं। उतने में जो उसकी बीवी होती है वो घर पे परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि वो किस तरह वापस निंग को ला पाएगी। और वो अपने सारे जितने भी चीजें होती हैं उनको इकट्ठा कर रही होती है और सारी चीजें लेके जाने वाली होती है ताकि वो बेल करवा सके। ये अपने ग्रैंडफादर से मनी मांग नहीं सकती है और उसके पास जितना भी सब कुछ होता है वो सारी ही चीजें वो निंग के लिए लगाती है। इवन वो जो बच्ची भी होती है वो भी अपनी चीजें एक एक करके निकाल के देने लगती है, जिसमें शो उसे रोकती है और कहती है कि नहीं तुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शो कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें आपके द्वारा ही गिफ्ट दी गई थी तो अगर आपके काम आएंगी तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और उतने में ही वो कोस रही होती है निंग को पूरी तरह से और देखने को मिलता है जो निंग होता है वो वापस आ चुका होता है। और निंग कहता है कि सॉरी मेरे वैसे तुम लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन वो लिटरली एक्सीडेंट था। मैं कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर बातचीत हो रही थी और वो जो गो था वो चीजों को दिखा रहा था, जिसका स्मार्टफोन था वो भी वो दिखाता है। और जो गो होता है वो बोलता है कि ये कोई वेपन हो सकता है। निंग होता है वो डायरेक्टली कहता है कि मुझे मार दिया जाए, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जो वो जज होता है वो इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं ये जो डिसऑबिडेंट है ये तेरा नेचर है वो मैं सहन नहीं करूंगा और इसके लिए भी तुझे सजा हो सकती है। और उसको 20 स्टॉक मारने की बात हो ही रही होती है। उतने में ही उसको देखने को मिलता है एक पर्चा जो कि होता है वही कॉन्ट्रैक्ट जो उसने कैंग के साथ बनाया था, जिसमें वो तुरंत उसे रोकता है और कहता है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उसे मारना नहीं। और वो पढ़ने लगता है उस पर्चे को और वो रहता है लैंड टाइटल जिसको वो चेक करवाने के लिए भेजता है और वो कहता है कि ये सच्चाई है कि नहीं है वो चेक करना चाहता है कि इसने स्कैम किया है मिस्टर कैंग के साथ। जब वो होता है अपनी पूरी कोशिश करने लगता है कि वो निंग को गलत साबित करवाते रहे, लेकिन जो जज होता है वो वहां रुक जाता है और कहता है कि अगर एक्यूरेसी नहीं हुई तो मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता। और जो जज होता है खुद से ही बोलने लगता है कि मैं भी वो रात में ज्यादा अंधेरा था तो जो सोल्जर था उससे गलती हो सकती है। जो गु होता है अभी भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो ये कॉमनेट जैसा निंग है ये कैसे कैंग के साथ कोई भी रिश्ता बना सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है इसने उस सील को चुराया हो और फोर्ज कर लिया अपने इस पेपर के ऊपर। जो निंग होता है अभी भी कैजुअल होता है और उसके बाद उतने में गु और बोलता है और कहता है क्यों ना जो शू और उसकी फैमिली है उसका जो टाइटल है वो भी ले लिया जाए, जो उनकी फैमिली लाइसेंस है वो भी खत्म कर दिया जाए। और वो बहुत ही ज्यादा चढ़ रहा होता है शू फैमिली से। जज भी बोल रहा होता है तुझे क्या सच में लगता है तो इतनी बड़ी डील बनानी चाहिए इस चीज को। निंग उससे बोलता है कि मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन शू की फैमिली को बीच में लाने की जरूरत नहीं। उतने में जो वो पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन करके वो ले आता है और बताता है कि जो इंक है और जो सील है दोनों ही एकदम सही है और इसमें कोई भी चीटिंग नहीं की गई है। जिसके बाद जो जज होता है वो परेशान हो जाता है और उसको छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग मूव कर रहे होते हैं और निंग जो होता है वो शू से कहता है कि तुझे अपनी बैग को एकदम ध्यान से देखना चाहिए, मतलब बैग का मतलब अपने आसपास की चीजों को, क्योंकि जो सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि तुझे वो कंपटीशन से बाहर कर दे और वो इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं तेरे साथ। उसके बाद जो उसके साथ की बच्ची होती है वो कहती है जो शू थी वो तेरे लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को दांव पे लगाने वाली थी और बैंकक्रप्ट होने वाली थी तुझे बचाने के लिए। और शू सोचती है कि मैं सारा कुछ दे सकती हूँ, जो चाहता है वो करे, लेकिन जो निंग है वो मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, तो मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा थोड़ा शर्माने लगते हैं, थोड़ी सी शर्म आ रही होती है। निंग जो होता है कहता है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ और वो स्कार्ट से नीचे उतर जाता है। और चारों तरफ खबर फैल जाती है जो राइजिंग पोएट निंग है वो जेल में है। फिर उसके बाद निंग को एक इंसान मिलता है जो कि बात कर रहा होता है मार्शल आर्ट अकेडमी के बारे में, किस तरह से सबको बेसिक मार्शल आर्ट आनी चाहिए, किस तरह से सबको फाइट करना आना चाहिए। और वो उससे पूछता है क्या तेरे पास नेविगेटर या कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूँ, और वो बोलता है कि तू सीधे जाना और लेफ्ट टर्न ले लेना, वहाँ मार्शल आर्ट अकेडमी है जहाँ से तू चीज सीख सकता है। वहाँ वो नाश्ता कूदता खुश होकर जा रहा होता है, सीधे जाकर वो टर्न लेता है, गाने सुनते हुए जा रहा होता है, नाश्ता रहता है। और उतने में देखने को मिलती है एक लड़की और ये वही लड़की होती है और इसके जो चीजें होती है वो उठा के खाने लगती है और ये उसको फॉलो करता हुआ चला जाता है। और ये लोग किसी ऊंचाई पे बैठे होते हैं, लेकिन जो निंग होता है उसको ऊंचाई से डर लगता है और वो उसके फोन को निकाल लेती है।
फोन वो लेती है, फोन एकदम से फ्लैश अप होता है, जिसको देख के वो शॉक होती है, फोन नीचे गिर जाता है और वो सीधे कूद जाता है फोन लेने के लिए। लेकिन वो लड़की जो होती है उसको थोड़ा सा बचा लेती है और वो नीचे नहीं गिर पाता है। और वो लड़की बोलती है, मुझे पता है कि तू अरेस्ट हुआ है मेरी वजह से और मैं किसी के कर्ज में रहना पसंद नहीं करती हूँ, तो तेरे जितने भी एनिमी है मैं उनको मार सकती हूँ। और किंग बोलता है कि मैं इस शहर में नया आया हूँ तो मेरे कोई भी एनिमी नहीं है, और वो बस ये चाहता है कि ये जो लड़की है ये उसे फाइट करना सिखा दे। और वो उसके बाद उसको ट्रेन करने की शुरुआत करती है, थोड़ी बहुत चीजें करने को कहती है और कहती है जो मेरे पास ये नट्स हैं अगर वो तू ले लेगा मुझसे तो तू मेरा स्टूडेंट बन सकता है। वो कोशिश पूरी कर रहा होता है, सारे तरीके अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत इजीली तरह से इसको डॉज करती है, इसको मारती वारती भी रहती है, इसको पीछे भी कर देती है। एक डंडे के ऊपर वो जो नट होता है वो पहुंच जाता है, वो जो लड़की होती है उसको लेने की कोशिश करती है, वो डंडे से फॉल करता है, वो लड़की उसको हाथ में फिर ले लेती है और ये दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। लेकिन फिर वो उसको थोड़ा सा ब्लब करने की कोशिश करता है, उसको पीछे देखने पर मजबूर करता है, उसके हाथ को पकड़ता है, वो लड़की अपने पैरों से अटैक करती है, वो उसके पैरों मूव करती है और वो एंड में पैर को पकड़ लेता है, जो उसके हाथ में डिब्बा होता है उसको फेंकता है और जो नट होता है उससे दूर हो जाता है और वो लड़का उसको क्रैक कर देता है और वो लड़की उसको मार के बेहोश कर देती है। वो दोबारा से उठता है और वो लड़की जो होती है उसको एक किताब देती है जो कि होता है ब्रेकिंग सिक्स पाथ्स, और वो अपने असाइनमेंट को पास कर चुका होता है और वो लड़की जो होती है वो उसको सिखाने वाली होती है, वो इसकी मास्टर बन जाती है, उसका नाम होता है लू हॉन्गटी। और वो लड़की बताती है कि तू यार टॉप बनने के लिए तो तू बहुत ही पीछे है, लेकिन मैं तेरे को इतना सिखा सकती हूँ कि तू टियर टू प्रैक्टिशनर जरूर बन जाएगा। और वो एक पावर का इस्तेमाल करती है, वो पेड़ के ऊपर मारती है और वो वहां से चली जाती है, और उतने में देखता है वो जो पेड़ होता है वो नीचे गिर जाता है और कहता है टियर टू प्रैक्टिशनर ऐसा कर सकते हैं तो मैं इसके साथ सेटल होने के लिए तैयार हूँ, और वो वहां से चली जा चुकी होती है। ये जितना आपको झाड़ता हुआ वापस घर जाता है, और जो उसका फोन होता है वो अभी तक टूटा नहीं होता है, वो ठीक ठाक होता है, उसमें उसकी अजीब सी फोटो होती है और उसने भी उसको एक और फोटो देखने को मिलती है जिसमें जो वो गु होता है वो उस इंसान से मिलता है जो कि वो फाइटर होता है गवर्नमेंट वाला, जिससे उसको क्लियर हो जाता है कुछ ना कुछ तो यहाँ चल रहा है। दोबारा से शू के पास आता है, उससे मिलता है और वो शू को बताता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट के पास गया था, मेरे को सिखाने जा उसने मेरे को ठोक दिया, और उसको हाथ खोलने को कहती है, हाथ खोलता है तो पहले वो इसको हल्के से हक करती है लेकिन उसके बाद इसके मेजरमेंट लेना शुरू कर देती है, इसका मेजरमेंट लेती है ताकि इसके लिए इसके कपड़े बना दिए जाए। और जो लड़की होती है वो कुछ मनी देती है इसको और ये सोचता है कि ये एक्चुअली इसको डिवोर्स कर रही है, और जो शुरू होती है वो कहती है कि मे बी तेरा इंटेंशन बड़े लोगों के साथ अपने आप को बैठाना नहीं होगा लेकिन तूने डील करी है मिस्टर कैंग के साथ। और जो निंग होता है वो कहता है कि हमें भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू उसको समझाती है और कहती है किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप के लिए फेयरनेस जो होती है वो जरूरी होती है, और वो कुछ लिखना शुरू कर देती है और वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे प्रॉपर्टी 50 स्ट्रिंग्स में कैसे मिल गई, लेकिन तूने वो अप्रोच किया था मिस्टर कैंग से, लेकिन किसी एडवांटेज लेना मेरा स्टाइल है ही नहीं। और वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वो करूंगा जो तू कहती है, और वहाँ पे एक लोन एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, वो लोन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर देता है। और उतने में देखने को मिलता है एक चाकू उड़ता हुआ आता है, उस पे एक चिट्ठी होती है और उस पे लिखा होता है द बैम्बू। उसके बाद देखने को मिलता है जो गु होता है वो किसी से बात कर रहा होता है कि जो निंग है उसने मिस्टर कैंग के साथ कैसे डील कर लिया, और जो मिस्टर क्विन है उसने पर्सनल गारंटी भी दे रखी है उस पे। और उतने में जो इंसान होता है वो फिश पकड़ रहा होता है और वो उसको चुप करने के लिए कहता है और बोलता है कि तुझे और पेशेंस होना चाहिए था तेरे अंदर। और वो ये भी बताता है कि जो सू है उसने किसी को भेजा है सिल्क फैब्रिक के लिए लिन एन के वहाँ जाने को, अगर उसकी तरफ मिस्टर कैंग और मिस्टर क्विन आ जाएंगे तो ये जॉब है ये उसको मिल ही जाएगी। और ये कुछ पेपर लिख के रखता है और कहता है कि इसको तुम मिस्टर सॉन्ग के पास लेके चले जा, उसको समझा देना सारी चीजें और मैंने अपने माइंड को लास्ट मिनट में चेंज कर लिया है। और ये बस इसका सिंपली ये टारगेट होता है कि ये सारे बिजनेस को खा जाए और इस मार्केट को डोमिनेट करे। और वो इससे बोलता है कि तुझे एक चीज और करने की जरूरत है कि तुम लड़कियों के ऊपर से हट जा जरा और गेट ओवर हो उससे। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था, स्टोरी काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है और देखने में काफी मजा आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन आर पीस आउट।